क्या डार्लिंग, क्या हो गया? वो पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये रो, ये भी इसी वक्त होना था। मैं उन्हें देख सकता हूँ क्या? नहीं, आप अभी पापा से मत मिलिए, डॉक्टर ने कहा। ज्यादा बात मत करिए, ज्यादा बात करने से उनका बीपी हाई हो जाएगा। वो बात मत करो, उनका ब्रेन हेमरेज हो सकता है। मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ देख कर आ जाऊंगा। हैं? सिर्फ देखिएगा, बात मत करना। हाँ, मैं बात नहीं करूंगा, डरो मत। हाँ। अच्छा। अगर इस बुड्ढे का काम तमाम हो गया तो मेरा रास्ता साफ। मैं जाकर कहता हूँ अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे, उसे शॉक लगेगा और ब्रेन फ्रीज हो जाएगा। फिर मेरी गाड़ी और उसकी बेटी की बॉडी, दोनों पर ही मेरा अधिकार। सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। मुझसे गलती हो गई सेठ जी, मुझे लगा आपको बिजली का करंट लगा है और मैंने आपको मारा। मुझसे गलती हो गई सेठ जी, इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दीजिए। सेठ जी, सेठ जी। पिताजी। देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया। आपने क्या कहा इनसे? वो मेरी तरफ देख रहे थे, मैंने कहा आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। अरे ये भी वही बात बार बार कह रहे हैं। डॉक्टर, पिताजी। डॉक्टर साहब देखिए इनको क्या हो गया। प्लीज डॉक्टर देखिए इन्हें। He is no more. डॉक्टर। जाओ बेटी, अपने रिश्तेदारों को फोन करके बुला लो। चलो चलो। पिताजी, अब मैं क्या करूँ और? अरे रे, लफंगा लोफर, मेरी लाइफ को सेटल किए बिना ही तू चला गया। मेरी गाड़ी भी नहीं मिली और तू भी नहीं मिला। तेरे मेरे झगड़े में तेरी बेटी भी मेरे हाथ नहीं आई। मेरी लाइफ तो बर्बाद कर दी रे तूने। तेरी तो देखो। पिताजी, पिताजी, ये तो चमत्कार हो गया। मरा वो आदमी फिर से जिंदा हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले गियर डालना सीखना पड़ता है डॉक्टर। ऐसा ही मैंने उनके सीने पर मारा, इनकी गई हुई जान वापस आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। आपने मेरे पिताजी के सीने पे नहीं मारा, सीधे मेरे दिल पे वार किया। ऐसा है? तू ग्रेट हीलिंग मास्टर है यार। जो मेरे का साया था ना बेनिनो, तुम तो उससे भी ज्यादा ग्रेट हो। तुमने मेरी जान बचा ली है, तुमने मेरी जान बचा ली है। अरे क्या अच्छा कर दिया। मैं अब चलता हूँ सेठ जी। अरे कहाँ जा रहे हो? शमशान में जाऊंगा। अरे शमशान क्या करने जा रहा है? मेरी गाड़ी भी नहीं है और मेरे लाइफ में कोई बॉडी भी नहीं है, फिर मैं किस लिए जीऊंगा? इसीलिए जा रहा हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मेरी प्रॉपर्टी को भी बचा लोगे, ऐसा मुझे विश्वास हो गया है। बेटी
एक बात बताओ मुझे, ये काम तुम किसके लिए कर रही हो? ये जरा भी सोचा है तुमने? ये पाप की दौलत से बनाया गया घर महल, इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए डैडी। मेरी जिंदगी पालने के लिए दो वक्त की रोटी कमाने की हिम्मत मुझ में है। चार घरों में आग लगाकर उसमें अपना हाथ सेकने वाले आप जैसे खुदगर्ज इंसान मुझे नहीं चाहिए डैडी, नहीं चाहिए। ऐसी फालतू की बकवास मत कर। सीएम बनने का योग हो सकता है मुझे, कल मिले या न मिले, लेकिन टुडे टुडे इज माइन। वो नसीब और काबिलियत दोनों आज मेरे साथ हैं। अब कोई भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तू यही पर मर। डैडी, डैडी, डैडी दरवाजा खोलो डैडी। हेलो, इट इज फायर स्टेशन। मैं एजुकेशनल मिनिस्टर के घर से उनकी बेटी बोल रही हूँ। यहाँ पे आग लगी हुई है, प्लीज हरी अप। हेलो, हाँ मैं विद्याशंकर एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम कर्नाटका। हाँ, प्लीज एक बार गवर्नर से बोल दीजिए ना। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो गणेश, आधे घंटे के अंदर शपथ लेने का सारा इंतजाम हो जाना चाहिए। हमारे साथी सपोर्टरों को तुरंत फोन करके रंग मंदिर में आने के लिए कहो। उसके अलावा वो लड़के किसी भी सूरत में गवर्नर तक नहीं पहुंचने चाहिए। मूव फास्ट।